गुड इवनिंग दोस्तों, अभी 3 या 4 दिन पहले के न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन था वाशिंगटन इरविंग, जो कि अमेरिकन हिस्टोरियन है या थे, ज़्यादा गूगल पर सर्च करके उनकी बायोग्राफी पर नहीं गया, लेकिन उन्होंने कहा था, बहुत इंटेलेक्चुअल एक स्टेटमेंट दिया था और कुछ और पॉइंट्स भी मैंने पहले के जो नोट करके रखे हुए थे वो सारे के सारे रिकॉन्साइल हो गए थे, सब सिंक्रोनाइज हो गए थे, तो उनको मिलाकर फिर ये आज का लेक्चर प्रिपेयर किया है। और इसमें आज फर्स्ट टाइम मैंने टॉप पर उनका कोटेबल कोट लिखा हुआ है, हाईली इंटेलेक्चुअल, और वो कोटेबल कोट आप भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है, ग्रेट ब्रेन्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट्स, जो महान लोग होते हैं उनके दिमाग में उनके अपने विचार होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं, हिंदी में लिखा हुआ था, महान लोगों के अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन सामान्य लोग दूसरों की इच्छाओं पर चलते हैं, सामान्य लोगों की नजर में दूसरों की इच्छाएं बहुत होती हैं। सो ग्रेट ब्रेन्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट्स व्हाइल ऑर्डिनरी ब्रेन्स हैव अदर्स विशेस, दूसरों की इच्छाएं होती हैं, दिस इज द डिफरेंस। अब यहां पर कौन करेक्ट से स्टार्ट करता है और कौन एसेप्टेबल से स्टार्ट करता है, इस पर डिपेंड करता है कि किसकी सक्सेस रिमार्केबल होगी, मींस एक्सेप्शनली हाई राइज होगी किसको, और एग्जिस्टेंस ओनली होगा किसको, ये एक दूसरे मैटर से लिया था, अब इन दोनों को मिलाया है। तो देखिए, नाउ लेट मी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज कवर्ड इन 2 लाइंस। नंबर 1, पर्संस बिगिनिंग विद द करेक्ट हैंडल द मिस्टेक फ्री टास्क, जो करेक्ट से शुरू करते हैं, बिल्कुल करेक्ट से, उनका उनका टास्क हैंडलिंग बिल्कुल स्मूथ होता है, अपवर्डली डायरेक्टेड होता है, और उसमें मिस्टेक्स जहां तक हो, जहां तक संभव हो, नहीं ही होती हैं। सो पर्संस बिगिनिंग विद द करेक्ट हैंडल द मिस्टेक फ्री टास्क, बट दोज बिगिनिंग विद द एसेप्टेबल हैंडल द मिस्टेक्स ओनली, जो सिर्फ एसेप्टेबल, हाँ भाई स्वीकार कर सकते हैं इसको, उस मेथोडोलॉजी को लेके चलते हैं, उस थीम को लेके चलते हैं, उस उन एलिमेंट्स को लेके चलते हैं जो जस्ट एसेप्टेबल हैं, वो काम तो करते हैं, काम होगा, लेकिन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी, तो कहा यह जाता है कि छोटा सा काम उसमें हजारों गलतियां, ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है। सो पर्सन्स बिगिनिंग विद द करेक्ट हैंडल द मिस्टेक फ्री टास्क, बट दोज बिगिनिंग विद द एसेप्टेबल हैंडल द मिस्टेक्स ओनली, सिर्फ गलतियों को हैंडल करते रहते हैं। देन द सेकंड वन, ग्रेट ब्रेन्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट्स, यहां पर दिया हुआ है, अब इन दोनों को मिलाया है, इक्वेशंस बाद में आएंगी, ग्रेट ब्रेन्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट्स एंड करेक्ट बिगिनिंग, ये दूसरी थीम को यहां पर लिया है, करेक्ट बिगिनिंग, जो ये ग्रेट ब्रेन्स हैं ये उनके अपने ऑब्जेक्ट होंगे और बिगिनिंग उनकी करेक्ट होंगी, एक्सेप्टेबल को छोड़ ही देंगे, वो जो सही है उसी को लेंगे। सो ग्रेट ब्रेन्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट्स एंड करेक्ट बिगिनिंग, बट ऑर्डिनरी ब्रेन्स फॉलो जस्ट द टास्क, केवल टास्क हैंडलिंग करना है उन्हें, काम किसी दूसरे ने दे दिया वो उनको करना है, एंड मिस्टेक्स, जस्ट हैंडल द टास्क एंड मिस्टेक, कितना फर्क है दोनों में, ये यहां पर टास्क है भी तो उनकी अपनी डिसाइड की हुई है, यहां पर टास्क है तो किसी और ने दिया है टास्क, अब वो उस टास्क हैंडलिंग में मिस्टेक्स ज्यादा होंगी, क्यों, क्योंकि जो दूसरे से मिला है वो एक्सेप्टेबल है, उनका अपना खुद का कुछ नहीं है। सो लेट मी बिगिन, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, ग्रेट ब्रेन्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट्स एंड करेक्ट बिगिनिंग, बट ऑर्डिनरी ब्रेन्स फॉलो जस्ट द टास्क एंड मिस्टेक्स, दो को मिला है,
देख लीजिए अब आगे आगे जो एक्सेप्टेबल नहीं जो रिमेम्बरेबल इक्वेशंस हैं वही आई हैंस द एक्सप्रेशंस आर। ज्यादा मैथमेटिक्स और ये सब ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की है लेकिन वो होती है लाइफ में होती है। तो कैसे होती है इन दोनों को मिला दीजिए। बेस्ट वे मिलाने का ये है ग्रेट ब्रेन्स इनटू ओन ऑब्जेक्ट्स इनटू करेक्ट बिगनिंग दैट्स एक्सेप्शनली हाई राइज एंड ऑर्डिनरी ब्रेन इनटू बिगनिंग विद एक्सेप्टेबल इनटू मिस्टेक हैंडलिंग दैट्स इक्वल टू एग्जिस्टेंस ओनली। सिर्फ आपकी उपस्थिति है सिर्फ आपका अस्तित्व है। क्या आपको अपना अस्तित्व चाहिए या आपको ये चाहिए एक्सेप्शनली हाई राइज। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल प्रीफर दिस वन एंड नॉट दिस। यही होता है सफलता के रास्ते में यही होता है। कुछ अपना निकालो अपना खुद का भी होना चाहिए। दूसरों ने किया ठीक है वो आपको मोटिवेशन देगा मोटिवेट करेगा ओके मोटिवेशन इट्स ऑल राइट ओनली अप टू द मोटिवेशन इट्स ऑल राइट बट डोंट फॉलो दिस। अपना खुद का रास्ता बनाओ। एक बार एक किताब में मैंने पढ़ा था ली याकोका एक बार और किसी वीडियो में मैंने कहा था ली याकोका उसके बारे में रुस्तम एस रावल साहब की किताब में लिखा हुआ था। An interviewer contacted, made a contact with Lee Iacocca, executive director Daimler Chrysler, means Mercedes-Benz. Sir, the Rigondier mentioned that I wanted to probe in deep the secret of success of someone with cigar between his lips and a gruff voice. And when I had put this question, sir, what is the secret of your success? He said, I have always followed the philosophy that is composed of 4 or 5 points. Always pick up a style that you feel comfortable with and stick with it. You can have role models, but don't try to become somebody else. Become yourself. Third, stay natural and damn it. And the last one, smile once in a while. Always pick up a style that you feel comfortable with and stick with it. Always pick up your own task handling, your own methodology, your own concept and carry forward. Thanks. Good night.